के साथ श्रिंक कर जाता है, छोटा हो जाता है। तो जैसे जैसे वो छोटा होता है तो उसकी वजह से तेरी यादाश्त पे असर पड़ता है, और भी इसकी काफ़ी सारी इलामत हैं। जैसे यादाश्त कम होना शुरू हो जाएगी, डेली की बातें बंदा भूलना शुरू हो जाता है, जो काम किया है, जो बातें कर रहा है, जो काम कल हुआ है वो भी भूलना शुरू हो जाता है, और डेली की रूटीन हो गई या फिर जो थोड़ा सा कोई अपॉइंटमेंट्स हैं या कोई थोड़ा सा दवाई खाई है या नहीं खाई, किसी को कोई काम कहा है या नहीं कहा, ये सारी चीज़ें वो भूलना शुरू हो जाता है। पहले थोड़ा थोड़ा मेमोरी लॉस होता है, आस्ते आस्ते मेमोरी लॉस के डिमेंशिया बढ़ जाता है। तो ये बेसिकली इसकी अभी तक कोई वजह नहीं पता चली अल्जाइमर डिजीज क्यों होती है। एज फैक्टर है एक मेन वजह, दूसरी वजह है कि प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड्स की कमी की वजह से हो जाता है, कि प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स दिमाग को कम पहुँचते हैं। दिमाग की जो आर्टरीज होती हैं और जो वेन्स होती हैं उनके अंदर प्लेक्स बन जाते हैं फैट्स के और अमाइनो एसिड्स के, उनके क्लम्प्स करने के लिए, उसकी वजह से भी खुराक कम होती है तो दिमाग श्रिंक करने लग जाता है। और इसमें सबसे बेहतर ये होता है कि हम इससे बच कैसे सकते हैं अल्जाइमर डिजीज से ना जी। मेनली ज़्यादातर औरतों में ज़्यादा है, मर्दों में निस्बतन कम है, यानी यूँ समझे कि 40-45% मर्दों में तो 50-55% औरतों में। 50 साल की उम्र के बाद ये शुरू होती है 50 ईयर्स ऑफ एज से, अमूमन ज़्यादातर 60-70 साल की उम्र में ज़्यादा हो जाती है। घर में कोई भी आपका बुजुर्ग है बड़ा है तो उनको आपको नज़र रखनी चाहिए कि अगर उनको ज़्यादा कमज़ोर हो रही है तो फौरन डॉक्टर को चेक कराएं, ताकि वो उनकी हिस्ट्री ले सके, चेकअप एग्जामिन कर सके, उनका सिटी स्कैन करा सके, ताकि पता लग सके कि कहीं अल्जाइमर्स तो नहीं हो रहा। एक नॉर्मल डिमेंशिया होता है वक्ती तौर पे कि आपकी मेमोरी लैप्स हो गई, मेमोरी लॉस हो गया, वो एक वक्ती बीमारी है। उसके अलावा इसमें अगर किसी को खालिज हुआ है या ट्रांजिट स्कीमिक अटैक हुआ या दिमाग का कोई मसला हुआ तो उसमें भी हेड ट्रामा जैसे सर की इंजरी हो जाए, दिमाग की इंजरी हो जाए, उसमें भी ये हो सकता है कि डिमेंशिया हो जाए, मेमोरी लॉस हो जाए। लेकिन ये चीज़ें आरजी होती हैं, कुछ इलाज से ठीक हो जाती है। फालिज मुकम्मल हो जाए, स्कीमिया हो जाए ब्रेन का, या फिर अल्जाइमर डिजीज में ये मुश्किल होती है, ज़्यादा अर्सा रहती है बीमारी। उसमें यही होता है कि जी आप इसका एक तो जो भी है हमारे पाकिस्तान में खासतौर पर ना, हमारी एज ग्रुप में भी, यंगस्टर में भी और मिडल एज ओल्ड एज में भी कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। खासतौर पर पार्क जाना, घूमना फिरना, क्लब्स अटेंड करना, पार्टीज अटेंड करना, खुद को सोशल रखना, लोगों के काम आना, ये चीज़ें बहुत कम है हमारी सोसाइटी में। और ये सोशली एक्टिव हैं, घूमते फिरते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, और उसके साथ साथ आप लोगों की मदद करते हैं, क्लब्स जाते हैं, इंजॉय करते हैं, अपने दिमाग को फ्रेश रखते हैं, मॉर्निंग वॉक डेली करते हैं, या इवनिंग वॉक कर सकें तो वो करें, या जिम जाते हैं तो ये बीमारी से आप बच सकते हैं। वरना ये आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ साथ भी बढ़ जाती है, जैसे जैसे फरागत होती है, रिटायर होता है बंदा, ये तेज़ी से बढ़ती है।
और इस बारे में कुछ और पूछना है। इसके अलावा से मतलब कुछ स्पेसिफिक एरियाज के लोग होते हैं जिन पे इसके अटैक्स होते हैं या फिर ये किसी को भी हो सकता है साइबर डिजीज? नहीं, इसमें कोई स्पेसिफिक एरियाज नहीं है कि गरीबों में हो, अमीरों में हो, गांव में हो या शहरों में, इस तरह के कोई स्पेसिफिक नहीं है इसमें। लेकिन जहाँ भी स्ट्रेसफुल लाइफ होगी, जहाँ भी लाइफ में स्ट्रेस होगा और रेस्ट कम होगा, यानी आप एक प्रॉपर नींद नहीं लेते, रात को देर तक जाते रहते, तो उससे बीमारी बढ़ जाती है। आजकल ये बीमारी थोड़ा सा ज़्यादा देखने में सामने आ रही है, जैसे सोशल मीडिया है, यंगस्टर में भी थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है, लेकिन ओल्ड एज में जो लोग 50 प्लस होते हैं, मोबाइल या टीवी ज़्यादा यूज करते हैं, उनमें ये ज़्यादा आ रहा है। इसमें के खासतौर पर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जरूरी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और कम नींद लेना, ये दो मेन वजूहत हैं इसकी बीमारी के। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब है कि आपका वजन ज़्यादा है, आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है, खून में चर्बी कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा है, बैठे रहने का काम है, वॉक वगैरह नहीं है, और सोशल मीडिया ज़्यादा यूज करके नींद आपको प्रॉपर नहीं लेते, तो नहीं ले जाता। डेफिनेटली जंक फूड से ज़्यादा होती है। अगर आप किसी को ये बीमारी हो गई है और वो नेचुरल डाइट लेता है, सब्जियाँ वगैरह फल फ्रूट ज़्यादा खाता है, तो उसको ये बीमारी रुक सकती है, कम हो सकती है। लेकिन अगर जंक फूड है, खासतौर पर कोल्ड ड्रिंक्स या तली हुई चीज़ें, तो ये दे सकती है। पर उनको अटेंशन चाहिए इस चीज में सबसे ज्यादा, और अगर अटेंशन उनको दी जाती है तो वो रिकवर हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो जितनी ज्यादा मिलती है, जितना ज्यादा उनके साथ आप कोरिलेट करते हैं, उनके साथ जितना ज्यादा आप गपशप करते हैं, उतना वो बेहतर फील करते हैं, बीमारी रुक जाती है। अभी तक ऐसा कोई इलाज नहीं है कि दिमाग बिल्कुल नॉर्मल हो जाए दोबारा से। जो श्रिंक हो गया, डैमेज हो गया, वो मुकम्मल ठीक नहीं होता, रीग्रो नहीं करता हमारा दिमाग। जैसे जिगर है, लीवर है, वो रीग्रो कर जाता है, दिमाग नहीं करता। तो उसमें जो डैमेज हो गया है उसको हम कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते। अगर हम वो पेशेंट है, उसके घर वाले हैं, वो केयर नहीं करेंगे, उसका टाइम नहीं देंगे, या पेशेंट अगर समझदार है वो नहीं समझेगा, वॉक नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता, चलता फिरता सोचते एक्टिव नहीं होता, तो फिर ये बढ़ती है। बुजुर्गों को ज्वाइन करा दें और वीकली मीटिंग्स करें अपने साथ के लोगों से। अक्सर रोटरी में, आपने भी रोड ट्रैक है, आप रोटरी में आप जाते हैं, तो अक्सर लोग जो हैं वो 50 प्लस हैं, जो ज़्यादातर एक्सपीयर हैं। तो इस तरह के क्लब्स हैं पाकिस्तान में, अच्छी बात है, लाइन्स क्लब या रोटरी क्लब है। इसके साथ ज़रूरत है मजीद ऐसे क्लब्स बने, अपने बुजुर्गों को वो ज्वाइन करा लें, वो उनके पास जाएँ, उनके साथ सोशल वर्क करें, उनके साथ जाके गपशप करें, तो उससे ये कमी पूरी की जा सकती है।